नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आज दोस्तों बहुत ही धमाकेदार वीडियो होने वाली है। आप लोगों को अगर नहीं पता है कि कैसे आप लोग पीएम किसान सम्मान निधि योजना में बेनिफिशियरी स्टेटस को चेक कर सकते हैं, तो आप लोग बिल्कुल सही जगह आए हैं, सही वीडियो में आए हैं। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप बेनिफिशियरी स्टेटस वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपका नाम वहाँ पर है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाएंगे गूगल या क्रोम पे। गूगल क्रोम पे आते ही हम यहाँ पे डालेंगे पीएम किसान सम्मान निधि। जैसे ही आप इसको इंटर करोगे, आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होके आ जाएगा। ये पेज ओपन होके आने के बाद आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बेनिफिशियरी स्टेटस पे आप क्लिक करोगे। बेनिफिशियरी स्टेटस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होके आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं करना है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपको यहाँ पर सारी चीज़ें दिखाई दे रही होंगी। न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन, अगर आप नए फार्मर हैं रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पर जाके रजिस्टर कर सकते हैं। ई के वाई सी आप यहाँ पे कर सकते हैं, और नो योर स्टेटस, अपना स्टेटस अगर आपको जानना है तो भी आप जान सकते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा पीरियड वाइज पेमेंट, आपको कब कब यहाँ पर पेमेंट मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्रैल जुलाई से लेकर 2023-24, यहाँ पे आपको 9,60,05,019 रुपये। इसी तरह से दिसंबर मार्च 2022-23, अगस्त नवंबर 2022-23, अप्रैल जुलाई 2022-23, इसको आप प्रीवियस आगे बढ़ा के भी देख सकते हो कब कब आपकी पेमेंट यहाँ पे आनी होगी। वो सारी डेट वाइज आपको यहाँ पर मेंशन की गई है। इसके अलावा पेमेंट सक्सेस फाइनेंशियल ईयर, ये पूरा आपको डिटेल यहाँ पे मिल जाएगा, कितने पेमेंट कब कैसे यहाँ पर सबके खाते में गई हैं और किस स्टेट में किस तरह से गए हैं। आपको ई के वाई सी करना है, न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन करना है, स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्ट्रेशन फार्मर करना है, अपडेशन सेल्फ रजिस्टर करना है, या अपना स्टेटस जानना है। लेकिन आज हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में जानेंगे कि बेनिफिशियरी लिस्ट को कैसे हम पता करें। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा बेनिफिशियरी लिस्ट, इस पर आप क्लिक करोगे। इस पर क्लिक करने के बाद में ये पेज ओपन हो जाएगा। अब आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो आप स्टेट डाल लोगे, मैं तो उत्तर प्रदेश डाल दूंगा। अब यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट डालना होगा, किस डिस्ट्रिक्ट से आप यहाँ पे बिलोंग करते हो। तो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा आप वहाँ पर उस डिस्ट्रिक्ट को डाल दीजिएगा। सब डिस्ट्रिक्ट क्या होगा, सब डिस्ट्रिक्ट मलियाबाद सदर सरोजनी नगर, उसमें आप जिससे भी बिलोंग करते होंगे वो आपको पता होगा। यहाँ पे आप ब्लॉक डाल दोगे, ब्लॉक डालने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको विलेज डालना है, विलेज आपका कौन सा लगता है। उसके बाद में आपको यहाँ पर गेट रिपोर्ट पर क्लिक कर देना है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका नाम, फार्मर नेम, जेंडर और सीरियल नंबर, यहाँ पे आपके सारे नाम, जितने भी नाम होंगे जो रजिस्टर्ड होंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से आप अपना बेनिफिशियरी लिस्ट को चेक कर सकते हैं, और अगर इस लिस्ट में नहीं होता है तो आप इसको कस्टमर केयर पे जाके अब अपनी शिकायत को दर्ज भी करा सकते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और यहाँ पे आपको ज़रूरी जानकारी भी मिली होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। बेल आइकन जरूर दबाइएगा जिससे आपके पास में आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय भारत, जय हिंद।